ओम शांति। आज की तारीख है 10/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलहयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है आज का, ज्ञान की अविनाशी प्रालब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? उत्तर है, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, बाप का बनकर, ध्यान से सुने, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वो पहले से भी अधिक पापात्मा बन जाते, उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वो बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर नहीं मिल सकती। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, बाप बिंदी है। इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है, सर्विस पर तत्पर रहना है। नंबर दो, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वे खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। भले सागर की लहरें वो भी डुबोने आ जाए तो फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त हैं वो सदा ही सेफ हैं, सलामत हैं। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में बेफिक्र होंगे लेकिन ये ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन है, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।